वो लोग भी जानना चाहेंगे हमको कब मिलेगा उसके बारे में। फूड का स्कीम है, इसमें 18.59 रुपए में मिनिस्ट्री ने अवेलेबल किए हैं और पब्लिक को ये 29 रुपए में मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे FCI गोडाउन से स्टॉक उठाएंगे, फिर 5 किलो 10 किलो बैग में पैक करके फिर ये रिटेल स्टोर और मोबाइल वैन के द्वारा सेल किया जाएगा। कितने दिन से लेकर कौन कौन जगह ये अभी तक जस्ट अभी लॉन्च हुआ है आज, तो कितने दिन के लिए अभी कोई सूचना है नहीं। आगे जैसे जब तक कंटिन्यू रखेंगे मिनिस्ट्री तब तक चालू रहेगा। वैन के थ्रू मिलेगा, अभी वैन के थ्रू मिलेगा, रिटेल काउंटर के थ्रू मिलेगा, बैनर के थ्रू सेल, बैनर के अंदर सेल होंगे। आगे रिलायंस के थ्रू भी सेल होना है, जैसे भारत दाल जो कि चालू है रिलायंस स्टोर में मिलना चालू हो गया, सिमिलरली भारत आटा और भारत चावल जो है वो रिलायंस स्टोर में मिलना चालू होगा। ये नाफेड के इनिशिएटिव है, नाफेड ने रिलायंस स्टोर में प्लेस करना चालू कर दिया। आज जैसे चालू हुआ, आज हमने 6 माइल में रखे थे, फैंसी बाजार में है आपका, भांगागढ़ में है, बीसपुर में चालू किया। कितना धान अभी वैन आज के दिन में 4 वैन चालू किया। हाँ जी, 10 কেজি সকলো শ্রেণীর মানুষের কারণে এনেকা নহয় যে দুখিয়া লোককলে পাব, ধনী লোককলে রাখব, সকল স্তরের সমাজের সকল স্তরের লোককলে সুলভ মূল্য রেহাই মূল্য है साथ साथ अभी दरंग मंगल दुई खारूपेटे में भी ये सेल होना चालू हुआ, आज सेम टाइम में चालू हुआ, आगे के दिन में और बढ़ेगा। ये जस्ट लॉन्च के लिए हमने फिर ये 2 लोकेशन में चालू किया। एक फैमिली का रैशनल थिंकिंग के हिसाब से जितना रिक्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से सेल करने के लिए, अभी इसमें कोई कैप दिए नहीं इन्होंने, बट जितना कंजम्पशन फिर एक फैमिली का होता है उस हिसाब से फिर देख के दिया जाएगा जी। कागज पत्र नहीं, इसमें जो भी कंज्यूमर इसको खरीदेंगे उनका नाम नंबर लेके फिर हम उनको सेल करेंगे, नाम नंबर से कल फीडबैक के लिए फिर इजी होता है। नहीं नहीं नहीं, उसका कोई जरूरत नहीं। प्राइस कितना कितना है? 29 रुपए का है, 29 रुपए पर किलो के हिसाब से बिकेगा ये, एंड 5 किलो 10 किलो पैकिंग में अवेलेबल है। किस प्रकार के चावल है, कितना है? ये ग्रेड ए चावल है, नॉन FR के चावल है, एंड FCA के जो डिपो है वहाँ से लिफ्ट होगा, वहाँ से लिफ्ट होने के बाद इनका 5 किलो 10 किलो पैकिंग होके। ये सुबह 9 बजे से हम चालू रखेंगे, एटलीस्ट जब तक फिर स्टॉक सेल आउट नहीं होता है मोटा मोटी 6-7 बजे तक हम लोग प्रयास करेंगे कि खुला रखें। हाँ, रिलायंस में अभी बातचीत चालू है, तो हो सकता है कि 1 हफ्ता 10 दिन में रिलायंस में भी स्टॉक अवेलेबल हो जाए। इमीडिएटली तो मोबाइल वैन और जो रिटेल दुकान के थ्रू मिलना चालू हो। अभी तो इमीडिएट जो है आज से चालू हुआ, तो लॉन्च के लिए हमने 4 रखे थे, एंड आने वाले दिनों में ये काफी मल्टीप्लाई होंगे। हर घर तक पहुंचना है, डांगे सुंदर है, हर जन तक पहुँचाए इसको, और ये कम प्राइस में अच्छा चावल है खाने के लिए, ये बहुत बढ़िया चावल है। ये पहला कॉन्सेप्ट नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट उनके द्वारा भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, जैसे प्याज है, आटा है, दाल है।